काम कर रहे हो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ओपन कर दो ना यार, ये जो इतनी दुनिया परेशान होती है, सब अपना काम धंधा छोड़ छोड़ के आए हुए हैं। हिंदुस्तान न्यूज़ डेली में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यस बैंक की शाखा है और इसके बाहर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। कल के बाद से जैसे जनता के बीच में एक बौकाल मच गया हो। एक तो दिल्ली के बीच कोरोना वायरस देश के लिए सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण मुद्दा था, इसी बीच यस बैंक का मुद्दा आता हुआ जिसमें यस बैंक के शेयर्स डाउन हो चुके हैं 56.5% के हिसाब से। लास्ट शेयर जो कल बंद हुआ, इस मौके पर बैंक की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी खाताधारक एक महीने के अंदर अपने खाते से सिर्फ 50,000 रुपये ही निकाल सकता है। अगर किसी इमरजेंसी के कारणवश उसे पैसों की आवश्यकता है तो वो किसी इमरजेंसी की बात बता के NOC दे के 5,00,000 रुपये तक निकाल सकता है। लेकिन अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन पहले कर चुकी हैं तो उससे ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते, यानी एक महीने के अंदर सिर्फ 50,000 रुपये ही आप निकाल सकते हैं। काफ़ी ATM से ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं यस बैंक की कि सारे ATM बंद हैं, उनमें पैसे नहीं हैं। आइए इस मौके पर हम जनता से बात करते हैं कि कितने बजे से लोग लाइन में लगे हैं और क्या माहौल है पब्लिक का इस मौके पर। आइए लाइन में। मैं तो 12 बजे से खड़ा हूँ। 12 बजे से लाइन में खड़े हैं। कितने पैसे निकलवाने हैं? अब जो लिमिट होगा उतना ही निकालेगा। अच्छा, ये 50,000 वाली एक लिमिट आई है, इससे खुश हैं? नहीं नहीं है कोई। नहीं। अभी कहाँ काम करते हो आप? मैं तो नारायणा काम करता हूँ। आज छुट्टी है? नहीं, छुट्टी लेके आना पड़ा है। लेके आना पड़ रहा है। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा आलम। आलम जी। हाँ, कहाँ से हैं? यूपी से। यूपी से यहाँ रहते हैं? हाँ जी। अकाउंट है आपका? हाँ जी। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? अरे क्या लग रहा है, सारा पैसा इसी में फंसा रह गया। अभी घर लेने वाला था, ठीक है, लेकिन अभी कुछ टाइम था, मैंने सोचा कुछ टाइम के बाद ले लूँगा, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम आ गई। एकदम से पैसे रोक दिए गए हैं, जैसा ऐसा लग रहा है स्थिर हो गया है, कहीं पैसे निकाल नहीं सकते। काफ़ी यस बैंक के अकाउंट में ATM से बंद पड़े मिले हैं सब वैसे? हाँ जी, सारे बंद पड़े। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की कैसे? ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, सब स्टॉप कर दिया। एक मिनट। पंडित जी नमस्ते। काफ़ी देर हो गई। कितने बजे से खड़े हैं सुबह? आपका क्या नाम है सर? ताज अहमद। सर कितने बजे से लाइन में? मैं तो अभी आया हूँ जस्ट। वो कल भी आए थे आप या फिर? नहीं नहीं, आज ही आया हूँ मैं। कितने बजे तक खुला? ये तो एक्स्ट्रा टाइम देंगे अगर 4 बजे के बाद? ये तो मुझे मालूम नहीं, मैं तो खड़ा हूँ, जब तक देखता हूँ मैं। मैम क्या नाम है आपका? प्रियंका। कितने बजे से लाइन में खड़े हैं मैम? सुबह 11 बजे से। सुबह 11 बजे से। बैंक की तरफ से कोई निर्देश आए कि 4 बजे के बाद अगर कोई लाइन में खड़ा रहता है तो आपको? उन्होंने बोला 4:30 बजे तक ही खुला रहेगा। तो ये स्पेशल वो नहीं है? नहीं। एक कोरोना वायरस का दिक्कत चल रही है पूरे देश के अंदर, कह रहे हैं क्राउड के बीच में नहीं जाना चाहिए, उस बीच में ये ऐसा फैसला आ जाता है, लोगों को खड़ा होना पड़ रहा है लाइन में, तो क्या लग रहा है, दिक्कतें हो रही हैं? हाँ, दिक्कतें हो रही हैं। हमने हैंकी वगैरह लिया हुआ, खड़े हुए हैं, अब कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारी सैलरी वगैरह सारा इस अकाउंट में आया हुआ है। फैमिली वगैरह सबको छोड़ के यहाँ पे घर? ऑब्वियसली हमारा सैलरी है तो रूम रेंट है, बहुत सी चीज़ें हैं, हम उसके लिए खड़े हुए हैं। अब देखते हैं 50,000 वाली जो स्कीम दी है, 50,000 से ज़रूरत है तो फिर? आई डोंट थिंक सो कि दिल्ली जैसे एरिया में रहने में 50,000 किसी को, पूरा फैमिली को, अगर उनके बच्चे वगैरह भी हों, क्योंकि EMI लोन्स वगैरह हैं, बहुत सी चीज़ें जा रही हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि 50,000 इज़ इनफ फॉर देम। और सभी के दिमाग में क्वेश्चंस भी हैं कि बाकी हमारे अदर अमाउंट के साथ क्या होगा। सर नाम क्या? चमन कुमार शर्मा। कितने से खड़े सर? सर मैं तो 10:30 से खड़ा हूँ। 10:30 से खड़े? हाँ। सर क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें ये है, पूरा दिन खराब हो गया आज का। पूरा दिन खराब हो गया ऑफिस? वही तो कह रहा हूँ, सैटरडे है, एंजॉय का डे था, खराब हो गया है, और अभी भी डाउट है कि ऐसा ना हो कि आगे तक जाके हो के। जैसे मैंने पीछे बात करी 4:30 बजे तक, उससे ज़्यादा नहीं दे रहे हैं टाइम? 4:30 और वही 1:30 हो गया है, और इतना जो देखो, मैं स्टार्ट किया था उस कार से, अब तक यहीं पहुँचे हैं, तो 3 घंटे ख़राब हो चुके हैं और आई थिंक 2 घंटे और लग जाएंगे यहाँ तक पहुँचने में, और यही डाउट है कि पैसा मिलेगा भी नहीं मिलेगा। 50,000 वाला एक फॉर्मूला दिया है, 50,000 से क्या ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं हो सकती किसी इंसान की? 50,000 में तो आजकल कुछ होता ही नहीं, और आप भी जानते हैं कि होली है, फेस्टिवल टाइम है, तो 50,000 में तो कुछ होना नहीं है, पर वही है जिसको क्या कर तो कुछ सकते नहीं हम लोग। एक कोरोना वायरस का कहर चल रहा है पूरी दिल्ली के अंदर, ऊपर से यहाँ पे क्राउड के बीच में वो भी टेंशन है, सबको टेंशन है, बल्कि सुबह से इस बारे में बात भी हो रही है। धन्यवाद।
तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे पब्लिकों को दिक्कत हो रही है, बैंक की तरफ से कोई ज़्यादा सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है, पीछे तक लोग सुबह 10:30 बजे से खड़े हुए हैं। यस बैंक की शाखा में कोई अलग से सेवा नहीं दी गई है, 4:30 बजे बैंक बंद हो जाएगी, 1:30 बजे लंच हो जाएगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से कोई नए फायदे मिलने को नहीं मिल रहे हैं। अगर हम बात करें परेशान होती है सब अपना काम धंधा छोड़ छोड़ के आए हुए हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ओपन कर दो, दुनिया अपने घर जाएगी, ट्रांजेक्शन करेगी, कहानी खत्म, 50,000 की लिमिट तो लगा रखी है आपने, तो क्यों अननेसेसरी हमारे को यहाँ खड़ा कर रखा है कि नोट बंद हो गया, नोट बंद हो गया, नोट बंद हो गया। एक और दिक्कत, एटीएम की लाइन खत्म हो गई है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना यार, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दो, कहानी खत्म हो गई। सर कुछ दुनिया अपने दूसरे बैंक, यही कहना चाहूंगा भाई, जब तो सुविधा दे, 50,000 देना तो दे तो सही, कम से कम दुनिया दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करेगी, निकाल लेगी, प्रॉब्लम खत्म। अननेसेसरी ये हर आदमी लाइन में लगा हुआ, परेशान हो रहा सारा का सारा, फायदा क्या उस चीज का, पड़े तो क्या फायदा उसका बताओ। जैसा कि लोग बता रहे हैं यहाँ पे, जो बैंक सेक्टर है वो ऑनलाइन कैशलेस, मोदी जी कहते हैं हमारे कैशलेस चलना चाहिए, तो कैशलेस ट्रांजेक्शन्स को क्यों नहीं ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहा, आश्वासन दिया जा रहा है बार बार कि आप बिल्कुल कैशलेस ट्रांजेक्शन पे जिए, लेकिन यहाँ पे लाइन में खड़े होकर लोगों को पैसे इकट्ठे करने पड़ रहे हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, विक्रम सिंह की रिपोर्ट, हिंदुस्तान न्यूज़ डेली, धन्यवाद।